में तीन एचएबीटी हैं। तो पहला तो सिंपल सिंपल उनके नाम, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर, और वो लोकेशन बॉक्स है। उसमें कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है जो रिपोर्ट जनरेट करेगा, ये टेम्परेचर लेगा, ये एक्सेल को काउंट करेगा, काउंट ठीक है। अब ये सिस्टम सही से टेम्परेचर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तुम पता कैसे करोगे? इसके लिए ये कैलिब्रेशन डिवाइस आई है, ये सिस्टम टेम्परेचर को सही से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इस डिवाइस को हम कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे जैसे एक्सेल, इसको ये एक्सेल समझे, ऐसे लगाएंगे इस डिवाइस को, ये थर्मामीटर, ये हमारा सिस्टम एक्सेल समझे। ये डिवाइस है, इसमें ये ब्लॉक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है, ये गर्म होगी, ठीक है। सबसे पहले इसको लगाना कैसे और टेम्परेचर कैसे सेट करना है, सपोज करो इसको 60 तक तुमने गर्म कर लिया, तो HABD पर जो रिपोर्ट जाए वो 60 की आई तो ये सही है सिस्टम हमारा, समझो ना। अगर तुमने उसको 70 पर गर्म कर लिया और HABD रिपोर्ट 70 की भेज रहा है तो सही है सिस्टम, मतलब तो ये टेस्टिंग मशीन मान लो इसको, इस तरीके से, है ना, कैलिब्रेशन डिवाइस या टेस्टिंग मशीन। तो उसमें दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर सेट करना और इसकी हाइट कितनी लेनी है। सबसे पहले तुमको जब इसको कसोगे तो देखो ये गेज लगा हुआ है, 465 mm पे इसको कसना है, पहला काम 465 mm पर कस लिया, एक्सल की हाइट पर कस गया। उसके बाद यहाँ से इसमें टेम्परेचर सेट करोगे, ये सेट वाला बटन है, ये बढ़ाने वाला, ये कम करने वाला। सपोज कर लो इसमें आपने अगर 60 टेम्परेचर 60 डिग्री सेट कर लिया तो ये 60 तक गर्म हो जाएगा, है ना, 60 तक गर्म हो जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, इसमें से ये निकालनी है, ऐसे करके इसके बीच में से ये रॉड ऐसे निकालनी है, 8 बार निकालनी है, फिर रिपोर्ट आएगी, उसकी मैचिंग करनी है। तो दो चीज़ें, एक तो ये यहाँ ऐसे ऐसे वैसे नहीं कसा होना चाहिए, सीधा कसा हुआ है ना, इसको ऐसे नहीं कहे नट बोल्ट ऐसे कर दो टेढ़ा इसको, या इसके सामने कसा होना चाहिए। दो चीज़ें, एक तो सीधा और इसके सामने, ठीक है, ये कर दोगे यहाँ से 465 mm। उसके बाद टेम्परेचर की टेस्टिंग करनी है, तो कितने सही है तुम डिसाइड कर दो, उतना सेट कर दोगे 80। अब 80 तो सेट तो कर दिया, लेकिन ये 80 तक गर्म भी हो जाना चाहिए, दोनों रीडिंग एक जैसी आ गई, 80 पर सेट कर दिया, 80 हो गया। तब उसमें तुम क्या करोगे, कोई भी लोहे का वो लेके इससे निकालोगे 8 बार, और फिर उसकी रिपोर्ट की टेस्टिंग करो, हर महीने पर ये टेस्टिंग करनी, कभी इसकी, कभी उस वाले HABD की, कभी उस वाले HABD की। तो ये क्या है, कुछ नहीं, ये एक हीटर टाइप का है, ये गर्म हो जाएगा, जितने पे इसको गर्म कर लोगे HABD से रिपोर्ट में उतना ही टेम्परेचर आना चाहिए, तो सही है ना। जैसे अगर 85 पर गर्म कर लिया तो HABD की रिपोर्ट 85 आएगी, लेकिन रिपोर्ट जब आएगी, जब तुम इसको यहाँ से निकालोगे, इसके गर्म होने से थोड़ी रिपोर्ट आएगी, व्हील निकलेगा तभी, 8 बार निकालना है, इसको कसना आना चाहिए और इसको सेट करना आना चाहिए। फिर देख लो अपना रिपोर्ट में कि जितना सेट किया था उतना आ रहा है कि नहीं, 465 पे कसोगे, टेम्परेचर सेट करोगे, जितने पर टेस्टिंग करनी है 85, 75, 80, 90, 100 जितने पर करनी है ना, उतने पर सेट कर लोगे टेम्परेचर। उसके बाद 8 बार इसको ऐसे निकालोगे, रिपोर्ट को मैच करोगे, ठीक है। अब ये देखो यार, 100 से ऊपर जाता कि नहीं टेम्परेचर,